हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन माय टू लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू माय प्रीवियस टॉपिक दैट इज़ आईएमएनसीआई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू एंड चाइल्डहुड इलनेस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आईएमएनसीआई का इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था आई कब स्टार्ट हुआ क्या उसके कॉम्पोनेंट्स थे वट आर द गाइडलाइंस वट आर द प्रिंसिपल्स वट आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ आई आई प्रिंसिपल्स गोल्स एंड एलिमेंट्स तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप डिस्कस किया था आई एम एन सी आई के रिगार्डिंग आ, जैसे मैंने बताया था कि टॉपिक काफ़ी वास्ट है आ, तो उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ जो है वो आ, केस मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्कस करूँगी फॉर बोथ द एज ग्रुप्स इफ़ यू रिमेम्बर मैंने ये भी बताया था आपको कि टू एज ग्रुप्स में जो है वो आई एम एन सी आई ने अपना केस मैनेजमेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है दैट इज़ फॉर जीरो टू टू मंथ इन्फेंट एंड फॉर टू मंथ टू फाइव ईयर्स ओल्ड चाइल्ड तो ये दोनों केस मैनेजमेंट प्रोसेस में आप आज डिस्कस करूँगी और इन डिटेल जो है वो मैं सिर्फ़ ज़ीरो टू टू मंथ इन्फेंट का ही डिस्कस करूँगी सो so, uh, मैं डिस्कस करूँगी बताऊँगी आपको कि कैसे जो है वो आई ने जीरो टू टू मंथ इन्फेंट का uh, जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस है Uh, उसको कैसे फॉलोअप uh, किया है उसको कैसे स्टार्ट किया है और उसमें जो है वो uh, कैसे उन्होंने uh, कुछ स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो मेंशन किए हैं और कैसे uh, उन साइन और सिम्टम के बेसिस के ऊपर जो है वो हम uh, जो भी हमारा फर्स्ट लेवल हेल्थ के फैसिलिटी में जो भी हमारे पास पीडिक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल आएं, आएंगे आएंगे अंडर द फाइव ईयर ओल्ड पॉपुलेशन के तो उन्हें जो है वो हमें कैसे उन साइंस एंड सिम्टम के बेसिस के ऊपर असेस करना है और असेस करने के बाद उनको कलर कोडिंग ट्रायल्स के ऊपर क्लासिफाई करना है और अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन ही हमें उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है चाहे वो रेफरल ट्रीटमेंट का होगा या आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है या होम मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं आज के लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगी सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सो uh, so, वैसे तो बेसिकली हमने सारा क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ठीक है तो इंट्रोडक्शन जो है वो केस मैनेजमेंट प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं सो द केस मैनेजमेंट ऑफ अ सिक चाइल्ड ब्रॉट टू फर्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अप टू टू मंथ का जो केस मैनेजमेंट प्रोसेस है और टू मंथ टू फाइव ईयर्स का है ठीक है सो आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में जैसे ही कोई पीडियडिक पॉपुलेशन अंडर फाइव ईयर्स का हमारे पास आएगा तो उसको हमने असेस करना है देन उसको क्लासीफाई करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे उसका आ, जो भी प्रॉब्लम्स uh, होंगी और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है रेफ़रल ट्रीटमेंट हो सकता है काउंसलिंग हम केयर टेकर को प्रोवाइड करेंगे डिपेंड अपॉन द क्लासीफिकेशन जो हमने आइडेंटिफाई किया होगा और फॉलो अप केयर के रिगार्डिंग बताएंगे रेफरल हेल्थ फैसिलिटीज़ में हम एमरजेंसी ट्रायल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे देन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट प्रोग्रेस एंड अप्रोप्रिएट होम मैनेजमेंट में हम मदर्स uh, को और जो भी अदर केयर टेकरस होंगे उनको बताएंगे कि कैसे औरल uh, ड्रग्स जो है वो आपने देना है बच्चे को कैसे अगर कोई लोकल इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसको होम लेवल पे कैसे मैनेज करना है काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे केयर टेकरस को अबाउट फीडिंग क्या क्या बेबी को फीड करना है रिगार्डिंग विनिंग डाइट और अदर थिंग्स और ब्रेस्ट फीडिंग पे है अगर बेबी तो उसको कैसे फीड करना है ऑफ ल्यूड रिक्वायरमेंट कितनी है एंड वैन टू रिटर्न टू द हेल्थ फैसिलिटी एंड मदर्स ओन हेल्थ के रिगार्डिंग भी हम मदर को बताएंगे प्रॉपर हाईजीन मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना है सो so डैट की वो अपना जो है वो इन्फेंट का भी ध्यान रख सके नेक्स्ट केस मैनेजमेंट इन द आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी फर्स्ट लेवल रेफरल फैसिलिटी एंड एट होम फॉर दिक यंग इन्फेंट अप टू टू मंथ ऑफ एज सो ये फ्लो चार्ट है एस आई एम एन सी आई के मॉड्यूल में आप देख सकते हैं और ये फ्लो चार्ट है हमारे पास सो आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में जैसे हमारे पास कोई आता है ठीक है तो हमने जैसे उसको देखेंगे तो उसको पहले चेक करेंगे फॉर द पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जॉन्डिस के लिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं जीरो टू टू मंथ इन्फेंट के लिए ठीक है उसी को ही हम पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए चेक करेंगे और जॉन्डिस के लिए चेक करेंगे देन असैस करेंगे फॉर द सिम्टम ऑफ डायरिया को डायरिया का सिम्टम तो नहीं है एंड चेक फॉर द फीडिंग प्रॉब्लम है बच्चे को कोई माल uh, न्यूट्रिशन के लिए चेक करेंगे उसका इम्यूनिटेशन स्टेटस चेक करेंगे एंड चेक फॉर द अदर प्रॉब्लम्स एंड क्लासिफाई द कंडीशन एंड आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट एक्शन अकॉर्डिंग टू द कलर कोडी ट्रीटमेंट चार्टे है हमारे पास कलर कोडी ट्रीटमेंट चार्ट पिंक येलो एंड ग्रीन जी कलर कोडिंग ट्रायल्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं पिंक में हमारे पास आएगा आ, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत होगी ठीक है तो आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में हम उनको प्री रेफरल ट्रीटमेंट देंगे और एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को रिगार्डिंग रेफरेंस रेफरल के टाइम पर कैसे बच्चे का ध्यान रखना है ठीक है एंड रेफरल फैसिलिटीज़ उनको दे सकते हैं एमरजेंसी ट्राइस के अकॉर्डिंग और जो भी उन्होंने हमने डायग्नोस किया किसको ये प्रॉब्लम है ठीक है तो जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड होगा अकॉर्डिंग टू आई एम का जो पिंक कलर कोडिंग में जो आएगा वो सब देने के बाद जो है वो हम उसको वहाँ से रेफर कर देंगे देन येलो जो कलर कोडिंग है यहाँ पर जो है वो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं एट आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में और यहाँ पे कोई अगर उस क्लासिफिकेशन में आता है अगर येलो क्लासिफिकेशन में डायग्नोस होता है पेशेंट तो उसको जो है वो हम लोकल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करेंगे या ओरल ड्रग्स देंगे और एडवाइस करेंगे एंड टीच करेंगे केयर टेकर को और फॉलोअप के लिए कब आना है दोबारा से वो बताएंगे देन ग्रीन कलर कोडिंग में हमारे पास आएगा होम मैनेजमेंट के लिए और होम मैनेजमेंट से केयर टेकर हैं तो हम लोग काउंसिल करेंगे कि कैसे ओरल ड्रग्स देने हैं कैसे लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है क्योंकि जीरो टू टू मंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आएगा अप टू सिक्स मंथ और उसके बाद जो हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग आते हैं अप टू टू ईर्यस तक चलता है बट यहाँ पे क्योंकि जैसे टू मंथ तक ही है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे बेबी आएगा एंड कीप द यंग इन्फेंट वार्म हमने इसको रखना है हाइपोथर्मे में नहीं जाना चाहिए बच्चा एंड हेल्प टू रिटर्न इमीडिएटली अगर कुछ प्रॉब्लम उसको लगती है मदर को या केयर गिवर को एंड फॉलोअप के रिगार्डिंग बता देना है नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द केस मैनेजमेंट इन द आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी फर्स्ट लेवल रेफरल फैसिलिटी एंड एट होम फॉर द सिक चाइल्ड फ्रॉम एज टू मंथ टू फाइव ईयर्स अभी हमने uh, पीछे जीरो टू टू मंथ का किया अब हम टू मंथ से फाइव ईयर्स का केस मैनेजमेंट प्रोसेस डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पे क्या है चेक करना है फॉर द डेंजर साइंस वहाँ पे क्या था पॉसिबल सी एस इन्फेक्शन के लिए हम डिस्कस कर रहे थे और जॉन्डिस के लिए यहाँ पे क्या चेक करेंगे जनरल डेंजर साइन के लिए कन्वर्जेंस लेथार्जिक है या अनकॉन्शियस है बच्चा इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड और वॉमिटिंग तो ये हम इन साइंस के लिए चेक करेंगे देन असेस करना है फॉर द मेन सिम्टम्स कफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डायरिया फीवर ईयर प्रॉब्लम एंड असेस फॉर द न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंड पोटेंशियल फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है कोई चेक फॉर अदर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम द कंडीशन एंड द ट्रीटमेंट एक्शंस अकॉर्डिंग टू द कलर कोडेड ट्रीटमेंट ये है हमारे पास सेम ही है जैसे हमारे पास जीरो टू टू मंथ का था वैसे ही है कुछ एक चेंजेस होंगे बट कलर कोडिंग ट्राइस्क सेम उसी तरीके से बनाया गया है ठीक है सो पिंक के लिए हमारे पास क्या आएगा अर्जेंट रेफरल आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटीज के लिए सेम है प्री रेफरल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को फॉर रेफरिंग द चाइल्ड और द दा टाइम ऑफ रेफरिंग हम उसको इमरजेंसी ट्राइस के अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट होगा वो प्रोवाइड करके ठीक है उसका जो भी रिकॉर्डिंग uh, रिपोर्टिंग जो फाइल होगी उसके पूरा डायग्नोस ट्रीटमेंट जो दिया होगा वो मैंशन करने के साथ साथ उसको जो है वो हम वहाँ से रेफर कर देंगे देन येलो के लिए हमारे पास आएगा सेम है आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रीट द लोकल इन्फेक्शन एंड गिव द ओरल ड्रग्स एंड एडवाइस एंड टीच द केयर टेकर एंड फॉलोअप के रिगार्डिंग बताएंगे इन केस ऑफ ग्रीन कलर ट्रायल्स में होम मैनेजमेंट आता है और यहाँ पे जो है वो हम केयर टेकर को काउंसिल करेंगे और हाउ टू गिव दोरल ड्रग्स ट्रीट लोकल इन्फेक्शन को कैसे करना है एट द होम लेवल और कंटिन्यू करना है फीडिंग वैन टू रिटर्न इमीडिएटली एंड फॉलोअप के रिगार्डिंग बताएंगे सो दिस इज़ अबाउट कलर uh, जो हमारे कलर कोडिंग का ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो केस में जो जो बनाए गए हैं रिगार्डिंग द असेसमेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ़ द डिजीज सो ये थे हमारे पास फॉर बोथ द एज ग्रुप्स नेक्स्ट है जैसे मैंने कहा कि मैं आज जो है वो इन डिटेल सिर्फ जीरो टू टू मंथ का ही आपका डिस्कस करूंगी तो वही हम कंटिन्यू करेंगे असेस एंड क्लासिफाई द सिक यंग इन्फेंट अप टू टू मंथ तो इनको हमने असेस करना है देन क्लासिफाई करना है जो भी हमारे पास फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी में आता है सो so, सपोज uh, जैसे आपके पास कोई आएगा ठीक है तो एज अ बिंग हेल्थ केयर पर्सनल हमें सबसे पहले उनसे कॉम्युनिकेट करना पड़ेगा ठीक है तो कम्युनिकेशन के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो एम एन सी में मैंशन किए गए हैं गुड कॉम्युनिकेशन के स्टेप्स वो हमें फॉलो करने चाहिए ठीक है जस्ट इन ऑर्डर टू जो भी हमें उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग बेबी का हेल्थ uh, स्टेटस के रिगार्डिंग ठीक है ताकि वो जो केयर टेकर्स हैं जो मदर है या फैमिली केयर गिवर्स हैं वो मतलब बेबी का uh, उनका भी जो है वो एंग्जाइटी लेवल रिड्यूस हो सके और वो कम्फर्ट फील करें हमसे बात करते टाइम तो क्या क्या हम uh, जो स्टेप्स हैं ऑफ़ गुड कम्युनिकेशन हम क्या यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट इज़ द लिसन केयरफुली टू वट द केयर टेकर सेस ठीक है तो जैसे कोई आएगा बताएगा कि हाँ जी हमारा बच्चा जो है वो बीमार है इतने टाइम से उसका ऐसा हो रहा है फीवर है या ये इन्फेक्शन है या पल ट्रेन हो रहा है तो वो सब बताएंगे ठीक है तो जो भी वो बता रहे हैं पहले तो उनको अच्छे से सुनना है दिस विल शो देम दैट यू टेक केयर देयर कंसर्न सीरियसली उन्हें लगेगा कि हम जो है उनका उनका कंसर्न ले रहे हैं और उनको प्रॉपर्ली सीरियसली उनकी एक एक बात सुन रहे हैं देन use words the caretaker understand try to use the local words अवॉइड मेडिकल टर्मिनोजी एंड अन फैमिल्ड्स जितना हो सके उनसे उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बात करेंगे सो दैट की उन्हें हमारे जो वर्ड्स हैं वो समझ में आ सके एंड गिव द केयर टेकर टाइम टू आंसर द क्वेश्चन जो भी हम उनसे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग हिस्ट्री अगर ले रहे हैं उनसे कुछ भी चीज़ें पूछ रहे हैं बच्चे के कंडीशन के रिगार्डिंग उनके साइंस के रिगार्डिंग तो उन्हें टाइम देना ताकि वो सोचें और अच्छे से बताएं ठीक है एंड आस्क एडिशनल क्वेश्चन वैन द केयर टेकर इज़ नॉट श्योर अबाउट द आंसर तो वो जो भी आप उनसे पूछ रहे हैं अगर वो अपने आंसर के रिगार्डिंग श्योर नहीं हाँ दूध तो पीता है बट कभी कभी अच्छे से पीता है कभी कभी अच्छे से नहीं पीता है तो अच्छे से दूध पीने का क्या मीनिंग है उसके रिगार्डिंग हम पूछ सकते हैं कि बच्चा जो है जब दूध पीता है तो क्या वो अच्छे से स्वेलो करता है आपको लगता है कि उसकी सकिंग प्रॉपर है ठीक है तो उस तरीके से हम कुछ पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चन ताकि वो और अच्छे से श्योर होकर बता सकें अपने आंसर्स को नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग रिगार्डिंग द हिस्ट्री टेकिंग जब हम उनसे लेंगे तो जब भी हमें देखा कि मदर हमारे पास आती है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बच्चे को लेकर जो सिक इन्फेंट है तो हम प्रॉपरली उन्हें पहले ग्रीट करेंगे मदर को और उन्हें बोलेंगे बैठने के लिए ठीक है सो यू नीड टू नो द इन्फेंट्स एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पास कोई आता है आपके पास आपने उसको बिठाया उसे आप सुन रहे हो बट आपने कौन सा कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कौन सी केस मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है वो ज़रूरी है और उसके लिए आपको जो आपके पास जो सिक इन्फेंट आया है ठीक है ये चाइल्ड आता है उसका आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए ठीक है तो आपको एज उनसे सबसे पहले पूछ रहे तभी आप राइट केस मैनेजमेंट चार्ट को फॉलो कर पाओगे लुक एट द इन्फेंट रिकॉर्ड टू फाइंड द इन्फेंट एज ठीक है तो आप उनके रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं अच्छे से क्योंकि एक बोलते हैं कि हाँ टू मंथ का है एक बोलते हैं मतलब थ्री मंथ का है ठीक है तो टू और थ्री के बीच में भी कभी होता है टू एंड हाफ तो वो चीज़ें प्रॉपर्ली क्लेरिफाई करना है देन इफ द इन्फेंट इज अप टू टू मंथ तो हम उसको असेस करेंगे क्लासीफाई करेंगे यंग इन्फेंट को अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो भी असेस एंड क्लासीफिकेशन चार्ट के अकॉर्डिंग होगा ठीक है जीरो टू टू मंथ के लिए और अगर बच्चे की एज जो है वो टू मंथ टू फाइव ईयर्स में होगी तो हम उसके एज के अकॉर्डिंग का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको असेस और क्लासीफाई करेंगे देन आज द मदर वट द यंग इन्फेंट्स प्रॉब्लम उसको क्या प्रॉब्लम है वो हमसे उनसे पूछेंगे और हमने डिटरमाइन करना है कि जो मदर आई है क्या वो इनिशियल चेकअप के लिए आई है या फॉलोअप के लिए आई है ठीक है तो क्या वो उस कंडीशन के लिए पहले से ही वहाँ पे चेक करवा के गई है ठीक है तो हमने उनसे पूछना है और अगर वो श्योर नहीं या हमें उनको तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हम उनका जो रिकॉर्डिंग फॉर्म है ठीक है जो फाइल है वो भी प्रॉपरली चेक कर सकते हैं नेक्स्ट चेकिंग फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जॉन्डिस तो जैसे हमने केस मैनेजमेंट प्रोसेस में डिस्कस किया था आ, कि सबसे पहले जो भी हमारे पास जीरो टू तो टू मंथ का आ, जो बच्चा है ठीक है तो उसको हमने जब असेस करेंगे तो सबसे पहले पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जॉन्डिस के लिए असेस करना है तो वहीं से ही हम अपनी फर्स्ट कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे आस्क क्या पूछना है आपने हैज द इन्फेंट हैड कन्वर्जन्स ठीक है जैसे मैंने कहा कि आई एनसीआई में कुछ स्पेसिफिक साइंस मेंशन किए गए हैं और उन्हीं साइंस की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस के ऊपर हम आ, बच्चे को जो है वो उस कंडीशन के लिए क्लासीफाई करेंगे ठीक है तो वह यही साइंस यहाँ पर मैंशन किए गए हैं फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक है तो वो हम इसमें देखते हैं जॉन्डिस के लिए तो वो हम पूछेंगे सबसे पहले हैज़ द इन्फेंट हैड कन्वर्जेंस तो ये हमें पूछना पड़ेगा ठीक है वो हम लुक लिसन और फील नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमारे सामने बेबी को कन्वर्जेंस नहीं होते हैं तो फिर हम चेक नहीं कर पाएंगे तो हमें उनसे पूछना है तो हमें बताएंगे ठीक है देन लुक लिसन और फील में हम क्या चीज़ें चेक करेंगे काउंट द ब्रीथ्स इन वन मिनट एंड रिपीट द काउंट बेबी का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हम चेक करेंगे कहीं उसको जो है उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा तो नहीं है ठीक है और चेस्ट इन ड्राॅइंग तो नहीं हो रही है नेजल फ्लेयरिंग ग्रंटिंग साउंड को हम सुनेंगे ठीक है बल्जिंग फॉन्टलै तो नहीं है वो हम देखेंगे और फील करेंगे अपने हाथ से ठीक है दैन लुक फॉर पर्स ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर ठीक है उसके ईयर से कोई पर्स ड्रेनेज तो नहीं हो रही है उसका अम्ब्लाइकस चेक करेंगे वहाँ से कोई पर्स ड्रेनिंग तो नहीं हो रही है और वो रेड तो नहीं है इन कलर ठीक है उसके स्किन पस्च्यूज़ के लिए चेक करेंगे उसकी बॉडी पे स्किन पॉस्ट्यूज प्रेजेंट तो नहीं है टेन जो टेन स्किन पस्च्यूज़ हैं वो इक्वल टू अ बिग बॉयल के इक्वल आते हैं ठीक है थीका? अगर एक बिग बॉयल होगा तो वो भी कंसिडर किया जाएगा और अगर बिग बॉयल नहीं है और टेन स्किन पॉस्ट्यूज हैं तो वो दोनों इक्वली जो है वो हम कंसिडर करेंगे देन मेजर एक्सली टेम्परेचर हम बच्चे का लेंगे और हम चेक करेंगे देखेंगे हम कि बेबी लेथार्जिक है या अनकॉन्शियस है ठीक है तो वो बेबी का रेंज ऑफ मोशन उसकी एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा देन वी हैव टू चेक द इन्फेंट मूवमेंट जैसे मैंने कहा कि अनकॉन्शियस है या लेथार्जिक है तो उसकी मूवमेंट्स हमें कम लगेंगी ठीक है आर दे लेस देन द नॉर्मल एंड लुक फॉर द जॉन्डिस उसके जो पाम्स हैं जो सोल हैं क्या वो येलो है या ये नहीं है ये हम देखेंगे ठीक है देन दिस इज द क्लासिफिकेशन ये पिंक कलर कोडिंग में आएगा हमारे पास ठीक है तो क्या क्या साइंस जो हैं वो जो मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किए उनमें से जो साइंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं यही साइंस जो हैं वो इंडिकेट करेंगे कि बेबी को जो है वो हमें पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्लासीफाई करना है सो so, साइंस आर कन्वर्जन प्रेजेंट हुए तो एंड फास्ट ब्रीदिंग 60 ब्रीज पर मिनट और मोर एंड सीवियर चेस्ट इन ड्राइंग है बच्चे को नेजल फ्लेयरिंग आपने देखा ग्रंटिंग साउंड सुनी उसका फाउटले भी बल्जिंग में आ रहा है ठीक uh, है टेन और मोर स्किन पर शूज़ हैं और बिग बॉइल और उसका एग्जल टेम्परेचर भी कम है हमारे पास 37.5 डिग्री सेल्सियस से एंड लथार्जिक uh, और अनकॉन्शियस बच्चा लग रहा है हमें एंड लेस देन नॉर्मल उसकी बॉडी मूवमेंट्स हैं सो हम उस इन्फेंट को जो है वो क्लासिफाई करेंगे अंडर पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये पिंक कलर कोडिंग में आएगा और इसके लिए जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे हम देंगे फर्स्ट डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर एम्पीसिल एंड जेंटामाइसिन ठीक है तो फर्स्ट डोज क्या है कितनी डोज है एम्पीसिल या जेंटामाइसिन की वो आई एम एन ने अलग से चार्ट्स बनाए हैं इस चीज़ के लिए ठीक है तो वो उस उनका मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी तो आप वो भी सुन सकते हैं देन फर्स्ट uh, डोज हमने दे दी इंटरमस्टल एमपीसिन और जेंटामाइसिन की देन हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड uh, करेंगे जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लो ब्लड शुगर क्योंकि बच्चा लथार्जी और अनकॉन्शियस हो रहा है वो फीड भी प्रॉपरली नहीं ले रहा होगा ठीक है तो उसका ब्लड शुगर लेवल को हमें प्रिवेंट करना है क्योंकि बच्चा जो है वो जीरो टू टू मंथ का है तो हम एडवाइस करेंगे मदर को कोशिश करें जितना हो सके उसको जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाएँ अगर वो uh, खुद से सकिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कटोरी स्पून फीडिंग से भी दे सकते हैं ठीक है अगर वैसा भी नहीं होगा तो और हम मैथड यूज़ करेंगे दैन Warm the young infant by skin to skin contact. इफ़ द टेम्परेचर इज़ लेस देन थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तो हम बच्चे को वार्म करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो अगर बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर लो जा रहा है तो हम आ, मदर के पहले तो स्किन टू तो स्किन, तो स्किन कॉन्टैक्ट ही प्रोवाइड कर दें अदरवाइज़ हमारे पास अगर रेडियन वार्मअप की फैसिलिटीज़ हैं तो वो हम देखेंगे अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि ये पिंक कलर कोडिंग में आता है तो हम इसको सिर्फ ये प्री रेफरल ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं और हम उसको उसके बाद इमिडिएटली यहाँ से रेफर कर देंगे फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी से हम एडवाइज़ करेंगे मदर को हाउ टू कीप द यंग इन्फेंट वार्म ऑन द वे टू द हॉस्पिटल तो जब तक वो वहाँ से अपना जो है वो हॉस्पिटल तक जाएंगे आ, तो ड्यूरिंग द उस जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे जो है वो बेबी को वार्म कैसे रखना है स्किन टू तो स्किन कॉन्टेक्ट के थ्रू और हम उनको वहाँ से इमिडिएटली रेफर कर देंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि बेबी की कंडीशन ज़्यादा सीख है और वो पिंक कलर कोडिंग हमारे क्लासीफिकेशन के अंडर आता है देन लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये येलो कलर कोडिंग में हमने इसको क्लासीफाई किया है क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर नहीं है इसे हम आउटपेशेंट uh, जो हेल्थ फैसिलिटी के लेवल है वहाँ पे ही ट्रीट कर सकते हैं तो इसके लिए क्या साइंस इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं अम्ब्लाइकस जो है वो रेड है और ड्रेनिंग हो रही है पस ड्रेनेज वहाँ से हो रहा है और पस डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर और जो स्किन पश्च्यूज़ हैं वो टेन से कम हैं तो इस इस कंडीशन का जो इन्फेंट होगा उसको हम लोकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन में क्लासिफाई करेंगे और हम उसको देंगे ओरल कॉट्रीमोक्सोजोल और अमोक्सिसन फॉर फाइव डेज और मदर को बताएंगे कि उसको लोकल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करना है होम पे एंड फॉलोअप क्या उसको बताएंगे कि उसने टू डेज़ में फॉलोअप के लिए आना है नेक्स्ट है असिक यंग इन्फेंट विद नो साइंस ऑफ पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड नो साइन ऑफ लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कोई भी साइन उसका ऑब्जर्व हम नहीं कर पाए नहीं देख पा रहे हैं पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी, भी वो क्लासीफाई नहीं हुआ और लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी क्लासीफाई नहीं हुआ ठीक है तो इस केस में जो है वो क्लासीफिकेशन हम जो है वो ग्रीन में नहीं डालेंगे बस इतना ही इसका जो है वो टू ही कलर कोडिंग में आता है देन जॉन्डिस uh, का क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं ठीक है तो अगर बेबी का साइंस uh, हम क्या चेक करेंगे पाम्स एंड सोल्स येलो तो ये जो एज यहाँ पे मेंशन किया है कि एज लेस देन ट्वेंटी फोर आवर्स और एज है वो मोर देन और इक्वल टू फोर्टीन डेज मतलब आफ्टर द डिलीवरी जैसे बेबी डिलीवर हुआ था ठीक है क्योंकि जीरो टू टू मंथ की बात हो रही है ठीक है तो एट द टाइम ऑफ़ डिलीवरी जब बेबी डिलीवर हुआ था तो क्या उसको विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स जो है वो जॉन्डिस हुआ था ठीक है या उसको फोर्टीन डेज़ के बाद हुआ था तो वो फिजोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में से हम इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अगर बेबी को उस टाइम पे जॉन्डिस हुआ होता है और उसके बाद अभी जब वो आ रहा है हमारे पास तो अगर उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि एट द टाइम ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स और फोर्टीन डेज पे उसको अगर हुआ होगा जॉन्डिस और एट प्रेजेंट उसके पाम्स और सोस येलो हैं दैट मीन्स को जॉन्डिस है तो ये सी क्लासिफिकेशन में आएगा सेवियर जॉन्डिस इन अ पिंक कलर कोडिंग क्लासिफिकेशन और यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे आ, लो ब्लड शुगर ना हो जाए तो हम ट्रीट करेंगे उसको वही है कि आ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बता सकते हैं एंड वार्म द इन्फेंट बाय स्किन टू तो स्किन कॉन्टैक्ट ठीक है ताकि वो वार्म रहे और उससे टेम्परेचर मेंटेन कर सके और मदर को एडवाइस करना है कि जब भी वो ऑन द वे टू तो द हॉस्पिटल बेबी को वार्म रखे और इमिडिएटली उसको वहाँ से हम रेफर कर देंगे देन अगर बेबी की हिस्ट्री नहीं है कि उसको बर्थ टाइम पे या फोर्टीन डेज पर उसको जॉन्डिस हुआ था अगर उसकी वो हिस्ट्री नहीं है बट एट प्रेजेंट जो है उसके पाम्स और सोज जो है वो आ, वो भी आपको येलो नहीं लग रहे हैं ठीक है तो दैट मीन्स कि बेबी ऐसे ही थोड़ा सा सीख फील हो रहा होगा बट उसको जो है वो जॉन्डिस के ऐसा कोई साइंस ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं देन एडवाइज़ द मदर टू गिव होम केयर फॉर द यंग इन्फेंट एंड एडवाइज़ द मदर वैन टू रिटर्न इमिडिएटली और फॉलोअप के लिए जो है उनको बुला लेंगे टू डेज़ में कि क्या उतना ही कंडीशन है कि ज़्यादा सीवियर तो नहीं हो रही है नेक्स्ट है एडिशनली जो सिक यंग इन्फेंट होगा जैसे मैंने पीछे भी हमने स्टार्टिंग में साइंस में डिस्कस किया कि टेम्परेचर उसका कम जा रहा है ठीक है तो अगर सिक इन्फेंट का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा होगा ठीक है तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं एक सिंपल क्लासीफिकेशन में वो और वो येलो कलर कोडिंग में आएगा इसके लिए कोई पिंक भी नहीं है ठीक है और ना ही हमारे पास ग्रीन है सिंपल जो है वो येलो वन क्लासीफिकेशन में ही आता है ये दैट इज़ लो बॉडी टेम्परेचर इसके लिए जो है वो हम बेबी को जो इन्फेंट है हमारे पास यंग इन्फेंट है उसको वार्म करेंगे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के साथ अपने सामने उस मदर को बिठाएंगे उठाएंगे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दिलवाएंगे इन्फेंट को फॉर वन आवर और उसके बाद तो हम रियसेस कर लेंगे उसी टाइम पर बेबी वार्म हुआ कि नहीं अगर तो बेबी जैसे वार्म हो रहा होगा दर क्योंकि येलो कलर कौड़ी में और को, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो बेबी को हम रियसेस कर लेंगे उसका टेम्परेचर और उसका जो है वो लो ब्लड शुगर लेवल ना हो उसके लिए मदर को एडवाइस करेंगे कि बेबी को फीड करे अच्छे से सो so, uh, ये तो हुआ हमारे पास पॉसिबल सीरियस यस बैक्टेरिया इन्फेक्शन जिसकी हमारे पास टू ही क्लासिफिकेशन थी जॉन्डिस की टू क्लासिफिकेशन थी और टेम्परेचर हमने उसमें डिस्कस किया एडिशनली ठीक है तो उसके बाद अभी हम चेक करेंगे फॉर डायरिया एंड द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले पूछेंगे मदर से क्योंकि बच्चे को डायरिया है वो मदर ही बता सकती है ठीक है तो डज द चाइल्ड हैव डायरिया अगर वो बोलते हैं हाँ जी यस ठीक है इफ़ यस देन फॉर हाउ लॉन्ग कब से है उसको डायरिया कितने टाइम से है ठीक है एंड लुक एंड फील तो वो हम चेक करें हम देख रहे हैं उसकी जनरल कंडीशन इज़ ही और शी लथार्जिक है बच्चा अनकॉन्शियस है रेस्टलेस हो रहा है इरीटेड हो रहा है ठीक है और हम उसकी जो है वो सनकन आइज़ को भी देखेंगे और उसका स्किन पिंच टेस्ट भी करेंगे उसकी अबडमन को जो है वो पिंच करेंगे और हम चेक करेंगे कि स्किन जो है वो कितना स्पीड पे जो है वो अगेन रीबैक हो रही है ठीक है सो वेरी स्लोली स्लोली और इमिडिएटली ठीक है तो वो हमें नोटिफाई करना है और इसी की बेसिस के ऊपर जो है वो हम इसको क्लासीफाई करेंगे सो चेकिंग फॉर द डायरिया एंड द साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन तो किसी क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे साइंस क्या है हमारे पास टू ऑफ द फ्लाइंग साइन दैट इज अ लेथार्जिक और अनकॉन्शियस सनकनाइज एंड स्किन गोज़ बैक वेरी स्लोली मतलब मोर देन टू सेकेंड का टाइम लग रहा है स्किन को अपनी जगह पे वापस जाने के लिए ठीक है और बच्चे के सनकनाइज भी हैं लेथार्जिक भी वो फील करें तो ये सब साइंस के साथ अगर बच्चे में वो प्रेजेंट हैं दैट मीन्स कि इसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन में क्लासीफाई करेंगे इन पिंक कलर कोडिंग एंड ट्रीटमेंट के लिए इफ द इन्फेंट हैज़ लो वेट क्योंकि ये पिंक कलर कोडिंग में आएगा और हमें इसको इमिडिएटली रेफर करना है तो हम क्या चीज़ें दे सकते हैं इफ द इन्फेंट हैज़ लो वेट और अदर कुछ और सिविल क्लासिफिकेशन इसमें आती है तो हम उसको इंटरमस्कुलर एम्पिसिन और जेंटा की डोज भी साथ में दे दे, दे देंगे और उसको रेफर कर देंगे इमीडिएटली एंड मदर को एडवाइस करेंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन का केस है कि उसको ओ जो है वो ओर एस कुछ सिप्स जो है वो बीच में देती रहें एंड एडवाइज़ द मदर टू कॉन्टिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड एडवाइज़ द मदर टू कीप द यंग इन्फेंट वार्म ऑन द वे टू द हॉस्पिटल और इफ़ इन्फेंट डज नॉट हैव लो वेट और एनी अदर सीवियर क्लासिफिकेशन जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि उसको पॉसिबल सिर्फ स्पेक्टरी इन्फेक्शन है या लोकल है या जॉन्डिस है या लो टेम्परेचर उनमें से अगर उसको कुछ भी नहीं है ठीक है और सिर्फ यही डिहाइड्रेशन का ही केसेस में आता है तो हम उसको क्या करेंगे फ्लूड और सीवियर डिहाइड्रेशन का जो प्लान सी प्लान ए बी सी ऐसे करके एम एनसी ने कुछ प्लान्स हमारे पास दिए हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी लेटर ऑन ठीक है तो वो उसमें से जो है वो हम इसको प्लान सी के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लूड दे देंगे एंड उसके बाद जो है वो हम इसको रेफर करेंगे आफ्टर रिहाइड्रेट करेंगे पहले बेबी को फिर फ्री रेफर करेंगे देन सम डिहाइड्रेशन एंड नो डिहाइड्रेशन येलो और ग्रीन कलर अकॉर्डिंग में देखते हैं क्या साइंस आते हैं सो येलो कलर अकॉर्डिंग में हमारे पास आएगा टू ऑफ द फॉलोइंग साइंस फॉर रेस्टलेसनेस और इरिटेबल है बच्चा शनकन है एंड स्किन पिंच गोज बैक स्लोली तो इनमें से कोई भी दो साइंस होंगे दैट मीन्स हम बच्चे को जो यंग इन्फेंट है उसे हम सम डिहाइड्रेशन येलो कलर कोडिंग में क्लासिफाई करेंगे और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे येलो uh, में आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में गिव द फर्स्ट डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर एम्पिसिन एंड जॉइंटामाइसिन एंड गिव यू टू ट्रीट सम समीहाइड्रेशन तो यहाँ पे प्लान बी के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल विद द मदर गिव फ्रिक्वेंट ओर सिप्स और ओ आर एस तो ये तब होगा अगर हमारे पास बेबी को कोई और सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसमें से किसी और कलर कोडिंग में ये जाता है तब देन नो डिहाइड्रेशन ग्रीन कलर में हम देखते हैं नॉट इनफ साइंस टू क्लासीफाई ए सम और सीवियर डिहाइड्रेशन हमारे पास ऐसा कोई साइन नहीं बनते हैं कोई ये कहता है साइन में से कोई प्रेजेंट होता है बच्चे में ठीक है तो वो सीवियर और सम डिहाइड्रेशन में नहीं आ रहा है तो वो उसे हम ग्रीन कलर कोडिंग में ले लेते हैं और प्लान ए के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे एट होम एंड एडवाइज़ द मदर वैन टू रिटर्न इमिडिएटली और फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं अगर उसी कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है देन ये तो था डिहाइड्रेशन uh, के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं डायरिया के रिगार्डिंग ठीक है तो जैसे मदर ने कहा कि हाँ जी इसको डायरिया है और वो बोलती है कि uh, 14 डेज से ज़्यादा हो चुका है कुछ भी ठीक है तो अगर ऐसा है कि 14 डेज से ज़्यादा हो चुका है दैट मीन्स कि ये पिंक कलर कोडिंग में आता है सीवियर परसिस्टेंट डायरिया है इन, uh, जो हमारे पास यंग इन्फेंट है उसे हम फर्स्ट डोज देंगे इंट्रामस्कुलर एम्पिसिन और जेंटामाइसिन की एंड इफ द इन्फेंट हैज़ लो वेट इफ़ द यंग इन्फेंट हैज़ लो वेट मतलब कुछ लो वेट में से कोई प्रॉब्लम इसको आती है देन डिहाइड्रेशन और अदर को सीवी क्लासीफिकेशन में आता है तो हम उसको रेफ़र करेंगे और एडवाइस करेंगे आ, मदर को बेबी को वार्म रखना है ऑन द वे टू द हॉस्पिटल एंड सेम है टू प्रीवेंट फ्रॉम द लो ब्लड शुगर लो ब्लड शुगर बेबी को वाम रखना है ठीक है तो ये सब चीज़ें सेम है जो हमारे पास रेफरल के टाइम पर हम एडवाइज करते हैं मदर को ठीक है सो सीवी पर्सेंस डायरिया का तो एक ही क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास दैट इज पिंक कलर कोडिंग में आ गया देन अगर डाइसेंट्री है दैट मीन्स ब्लड इन द स्टूल तो अगर ये है देन हम क्या करेंगे फर्स्ट uh, डोज देंगे इंटरमस्ट्रली एम पी सील और जेंटामाइसिन अगर बेबी का लो वेट है ठीक है और डिहाइड्रेशन का है कुछ और अदर सीवी क्लासिफिकेशन में ये आता है देन तो वो भी ये तब हम देंगे इसको इंटरमस्ट्री एम पी सीन जेंटामाइसिन एंड रेफर करेंगे इसको हॉस्पिटल में एंड सेम बेबी को वार्म रखना है एंड प्रिवेंट फ्रॉम द लो ब्लड शुगर नेक्स्ट चेक करना है फॉर फीडिंग प्रॉब्लम एंड माल न्यूट्रिशन आस्क द मदर इज़ देयर एनी डिफ़िकल्टी इन द फीडिंग इफ यस अगर मदर बोलती है कि आ, हाँ बच्चे को कोई है प्रॉब्लम ठीक है तो पहले तो हमें पूछ लिया मदर बताती है ठीक है इज़ इन फैंट ब्रेस्ट फीड तो हम ये पूछेंगे कि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया है क्या अभी इफ़ यस हाउ मेनी टाइम्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स तो वो हम वो मदर बताएगी हम उनसे पूछेंगे कि ट्वेंटी फोर आवर्स में आप बच्चे को कितनी बार फीड करते हो डज द इन्फेंट यूजली रिसीव एनी अदर फूड और ड्रिंक क्या बच्चा कोई और फीड रिसीव करता है इफ़ यस देन हाउ ऑफन कितनी बार आप जो है उसको दे रहे हैं क्योंकि ये जीरो टू टू मंथ का है मदर को नहीं देना चाहिए बट हम उनसे पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि वो क्या करते हैं कितना टाइम जो है वो इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं ट्वेंटी फोर आवर्स में ठीक है और उसको कोई और चीज़ तो उसको देते नहीं है ड्रिंक करने के लिए कोई जूस या कोई वाटर कुछ इस तरह से ठीक है एंड वट डू यू यूज़ टू फीड द इन्फेंट तो वो भी हम उनसे पूछेंगे लुक एंड फील तो वो हमने देखना है हम डिटमेंड करेंगे बेबी का वेट फॉर एज कितना है वो हम चेक करेंगे और उसका मेडाम सर्कल फ्रेंस भी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम यू ए सी टेप देन हम चेक करेंगे फॉर फीडिंग प्रॉब्लम्स एंड माल न्यूट्रेशन जो मैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सो so, असेस करना है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जैसे मदर ने बताया कि हाँ वो बेबी जो हम बच्चे को फीड करवाते हैं कितना टाइम करवा रहे हैं ट्वेंटी फोर आवर्स में हमने उनसे सब इन्फॉर्मेशन ले ली ठीक है देन हमने असेस करना है कि वो मदर बेबी को कैसे फीड करवा रही है क्या बेबी अच्छे से जो साइन ऑफ गुड अटैचमेंट है क्या बच्चा जो है वो अच्छे से अटैच कर पा रहा है अ, मदर के निपल के साथ तो वो सब चीज़ें हमें चेक करनी है ठीक है तो उसके लिए हम मदर से पहले पूछ सकते हैं कि उसने ब्रेस्ट फीड करवाया है बच्चे को प्रीवियस आर में ठीक है तो अगर करवाया होगा तो फिर हम वेट करेंगे कब बेबी को भूख लगेगी तब हम दोबारा से उसको अटैचमेंट में लाएंगे चेक करेंगे तो साइन ऑफ गुड अटैचमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं चिन टचिंग द ब्रेस्ट बच्चे का जो चिन है वो ब्रेस्ट को टच करना चाहिए जो माउथ है वो वाइड ओपन होना चाहिए जो लोअर लिप है दैट शुड बी टर्न आउटवर्ड एंड मोर एरियोला विजिबल अबव देन बिलो तो ये हम चेक करेंगे उसका फीडिंग का जो साइन ऑफ गुड अटैचमेंट है देन जैसे मैंने सेम बताया कि अगर बच्चे ने प्रीवियस आर में फीड किया होगा देन इट्स ओके बट इफ द इन्फेंट हैज़ नॉट फीड इन द प्रीवियस आर देन आस्क द मदर टू पुट हर इन्फेंट टू द ब्रेस्ट फीड एंड ऑब्जर्व हर इन्फेंट फॉर फोर मिनट के लिए हम इन्फेंट को ऑब्जर्व करेंगे कैसे जो है वो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है एंड इफ द इन्फेंट वॉज फीट ड्यूरिंग द लास्ट आर आफ्ट मदर इफ शी कैन वेट एंड टेल यू वेन द इन्फेंट इज विलिंग टू फिट अगेन अगर लगता है कि बच्चे ने लास्ट आर में फीड कर चुका है तो हम मदर को बोलेंगे कि आप थोड़ी देर के लिए वेट करो और जब भी uh, मदर विलिंगली और बेबी का हंगर जो है उसको लगेगा तो मदर जब भी फीड करेगी तो वो बता सकते हैं कि मैं बेबी को फीड करवाने जा रही हूँ एंड यू कैन कम एंड चेक दैट हाउ आई एम गोइंग टू फीड द बेबी सो इज़ द इन्फेंट एबल टू अटैच वो हमने चेक करना है कि बेबी जो है वो साइन ऑफ गुड अटैचमेंट को अच्छे से फॉलो कर रहा है इज़ देयर एनी अटैचमेंट और नो अटैचमेंट एट ऑल और नॉट वेल अटैच्ड या गुड अटैचमेंट है अच्छे से इज दिन फकिंग इफेक्टिवली तो सकी, जो सकिंग का एक पैटर्न होता है जब भी बेबी सक करेगा दैट इज पहले डीप सक्स लेंगे देन बेबी उसको स्टोर करके रखता है अपने माउथ में देन एकदम से उसको पॉज लेने के बाद फिर स्वेलो करेगा दिस इज द पैटर्न ऑफ सकिंग सो नॉट सकिंग एट ऑल और नॉट सकिंग इफेक्टिवली और सकिंग इफेक्टिवली तो वो हमने उसमें चेक करना है नेक्स्ट चकिंग चेकिंग फॉर द फीडिंग टॉलम एंड माल न्यूट्रिशन के साथ कंटिन्यू करें क्लियर अ ब्लॉक नोज इफ़ इट इंटरफेयर्स विद द ब्रेस्ट फीडिंग अगर हमें लगता है कि जब बेबी ब्रेस्ट फीड अटैम्प्ट है उसका जो नोज है वो ब्लॉक हो रहा है ठीक है तो उसको हम क्लियर करेंगे एंड लुक फॉर द अल्सर्स और वाइट पैचेस बेबी के माउथ में और दैट इज ओरल थ्रश हम उसको बोलते हैं इफ़ यस देन लुक एंड फील फॉर द फ्लैट एंड इन्वर्टेड निपल्स और सो नीपल्स एंड एंड गॉड्स ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट अपसेस हम उसमें चेक कर सकते हैं डज द मदर हैव एनी पेन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी

नेक्स्ट अगर हम इसको येलो कलर कोडिंग में क्लासिफाई करते हैं तो क्या सिम्टम्स हमारे पास आएंगे क्लासिफिकेशन में दैट इज़ नॉट वेल अटैच टू द ब्रेस्ट और नॉट सकलिंग इफेक्टिवली उसकी जो सकिंग पैटर्न होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा एंड लेस देन एट ब्रेस्ट फीड्स जो है वो बेबी को फीड करते हैं इन ट्वेंटी फोर आवर्स एंड रिसीविंग अदर फूड्स और ड्रिंक्स और ओरल थ्रस्ट की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है दैट इज द दल्स ऑफ द वाइट पैच इन द माउथ एंड लो वेट फॉर द एज ब्रेस्ट और निपल प्रॉब्लम मदर को हो सकती है uh, तो हम इसको क्लासीफाई करेंगे अंडर फीडिंग प्रॉब्लम और लो वेट तो ये येलो कलर कोडिंग में क्लासिफिकेशन में आएगा एंड हम क्या कर सकते हैं अप्रोप्रियट काउंसलिंग ऑफ द मदर शुड बी बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड फीडिंग प्रॉब्लम एंड एनश्योर करेंगे फॉलोअप के लिए फॉर एनी फीडिंग प्रॉब्लम या ओरल थ्रश होता है तो विद इन टू डेज़ के लिए हम उनको बुला सकते हैं एंड फॉलो अप लो वेट एज अगर उसका आएगा तो फोर्टीन डेज के बाद हम दोबारा से बच्चे का वेट चेक करेंगे नेक्स्ट इज द ग्रीन क्लासिफिकेशन नो लो वेट फॉर एज एंड नो अदर साइन ऑफ इन एडिकुएट फीडिंग और इसको हम नो फीडिंग प्रॉब्लम बेबी को कोई फीडिंग uh, प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हम ग्रीन कलर कोडिंग में uh, डालेंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ मदर को एडवाइस करना है कि uh, कुछ ही चीज़ें काउंसिल करने के साथ हम उसको बताएंगे और बेबी को राइट right पोजीशन को कैसे होल्ड करना है और बेबी को बर्पिंग करनी है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग कुछ एक चीज़ें हम उनको बताएंगे और काउंसिल करेंगे और हेल्थ एजुकेट करके जो है वो हम उनको वहाँ से भेज देंगे then check for the immunization status immunization status should be checked in all the sick young infants a young infant who is not sick enough to be referred to a hospital should be given the necessary immunization before she or he is to be sent to the home then counsel the mother advise the mother to give home care for the young infant and food and fluids breastfeed frequently as often and for as long as the infant want and make sure the young infant stays warm at all times देन फॉलो विजिट के लिए हम बता सकते हैं लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जॉन्डिस है डायरिया है या कोई फीडिंग प्रॉब्लम्स हैं ओरल स्रश है तो हम उनको टू विद इन टू डेज़ के लिए बुला लेंगे ठीक है टू डेज़ के बाद वो आ सकते हैं अपने फॉलोअप के लिए हम चेक करेंगे कितना उसकी प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट हुआ है बेबी की कंडीशन में एंड लो वेट फॉर एज होगा तो आफ्टर फोर्टीन डेज़ जो है वो हम उनको बुलाएंगे उसका वेट चेक करने के लिए देन वैन टू रिटर्न immediately आपने देखा होगा पीछे जो भी हमने क्लासिफिकेशन के जो चार्ट मैंने डिस्कस किए वहाँ पे बीच जो मेंशन किया था कि वो इमिडिएटली आ सकते हैं इफ़ द यंग इन्फेंट हैज़ एनी ऑफ दिस साइन दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग और ड्रिंकिंग पुअरली और बिकम सीकर डेवलप्स अ फीवर और फील्स कोल्ड टू टच एंड फास्ट ब्रीदिंग डिफिकल्ट ब्रीदिंग येलो पार्म एंड सोल्स एंड डायरिया विद द ब्लड स्टूल तो ये सब अगर सिम्टम्स बच्चे में साइंस प्रेजेंट होंगे तो मदर चाहे वो इमीडिएटली हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी में आ सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टू लेक्चर एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा कॉन्टेंट दैन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेलाइकन